वेलकम टू हमारी रसोई। आज हम बना रहे हैं चिकन बर्रा। चिकन बर्रा के नहीं, यहाँ पे मैंने हड्डी वाली चिकन ले ली है, दो तंदूरी पीसेस लिए हैं मैंने, जिसे मैंने डीप कट लगा लिया है, एंड दो विंग्स लिए हैं मैंने। इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे अपने मसालों से। मसालों के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप बीटन कर्ड लिया है, 1 लेमन जूस लिया है मैंने, 1 लेमन नींबू का। और इसके लिए हम एक पेस्ट रेडी करेंगे, जहाँ पर 1 लार्ज अनियन थी जिसे मैंने ब्राउन कर लिया है, 4 ग्रीन चिलीज हैं एंड 4 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स। इन तीनों का हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। एंड 100 ग्राम अमूल बटर है, मक्खन में हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पे हम चिकन बर्रा का मसाला रेडी करते हैं। 1/2 कप दही में, बीटन दही है ये, इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 लेमन जूस इस पर ऐड करेंगे हम, 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। यहाँ पर मैंने अनियन, हरा धनिया, ग्रीन चिली का मसाला रेडी कर लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे। हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। मिनिमम टाइम 1 घंटा है मैरिनेशन का, और आपके पास टाइम हो तो मैक्सिमम टाइम 2 घंटा है, तो आप 2 घंटे के नाम इसे मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तंदूरी पीसेस को अच्छे से डीप कट्स दे दिए हैं, ताकि चिकन हमारी अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम अपने मसाला इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मसाला मैंने अच्छे से अंदर तक कोट कर दिया है हाथों से। ट्रे मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि वो ट्रे मुझे शायद छोटी पड़ रही थी। यहाँ पे मसाला मैंने चिकन को अच्छे से कोट कर दिया है। अब हम इसे कम से कम 1 घंटे के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे, उसके बाद हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पर हमारी चिकन बर्रा की मैरिनेशन कम्प्लीट हो गई है। 2 घंटे मैंने इसे पूरा मैरिनेट किया है, अब हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पर हमने पैन में 1/2 बटर मेल्ट कर लिया है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से मसाला कोट हुआ हुआ है चिकन को हमारी। हम थोड़ा सा मसाला हम ऊपर से ऐड करेंगे। यहाँ पे यहाँ पर हम अपनी चिकन को 10-10 मिनट की दोनों तरफ से कुक करेंगे। इसे हम कवर कर देंगे अब इस टाइम पे, और 10 मिनट्स के लिए वन साइड से कुक करेंगे, उसके बाद 10 मिनट के लिए अदर साइड से कुक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी चिकन एक साइड से कुक हो गई है अच्छी तरीके से। अब मैंने इसे टर्न कर दिया, ये अदर साइड से पक रही है। जब तक ये दूसरे साइड से पक रहा है, हम इसमें थोड़ा मक्खन और ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है दोनों तरफ से। हम इसे कोयले का धुआं देंगे। यहाँ पे कोयले का धुआं हमने अच्छी तरह से पूरा दे लिया है, इसमें हम इसे निकाल लेंगे। यूजुअली जो चिकन बर्रा हम लोग शादियों में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, वो बारबेक्यू होता है। अगर आपके पास बारबेक्यू ग्रिल है तो आप इसे बारबेक्यू करें, या तो यही प्रोसीजर जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप मेरे इस प्रोसीजर को फॉलो करें, आपको मार्केट जैसा ही फ्लेवर आएगा। सारे टिक्का पीसेस के साथ, तंदूरी पीसेस के साथ हम ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे आज की डिश चिकन बर्रा बिल्कुल रेडी है। डायरेक्टली ग्रिल करने के बाद कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है इसका। इसे आप सैलड के साथ सर्व करें, लेमन है, टमाटो रिंग्स हैं, अनियन रिंग्स हैं। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन सी यू विद आवर नेक्स्ट रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।